students, how are you? Perhaps you are almost fine. In previous topic, we had discussed about the addition of rational number. But today we are about to discuss properties of subtraction in rational number. तो इससे पहले के वीडियोस में हमने डिस्कस किया था कि क्या प्रॉपर्टीज हैं एडिशन की रेशनल नंबर में, यानी कि रेशनल नंबर में एडिशन के लिए कौन कौन सी प्रॉपर्टीज या कौन कौन सी प्रॉपर्टीज होल्ड करती है। आज हम डिस्कस करेंगे कि रेशनल नंबर सब्ट्रैक्शंस के लिए कौन कौन सी प्रॉपर्टी होल्ड करेंगी। सो फर्स्ट प्रॉपर्टी इज क्लोजर प्रॉपर्टी। पहली प्रॉपर्टी हमारी है बोरोड क्लोजर प्रॉपर्टी। देन व्हाट इज क्लोजर प्रॉपर्टी? व्हेन अ रेशनल नंबर इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम अनदर रेशनल नंबर, इसका मतलब होता है जब एक रेशनल नंबर को दूसरे रेशनल नंबर में से सब्ट्रैक्ट किया जाता है। ए विल या बी विल ऑलवेज गेट अ रेशनल नंबर, इसका मतलब होता है कि हमें एक रेशनल नंबर ही मिलती है। कहने का मतलब अगर हम टू रेशनल नंबर्स को एक दूसरे में से सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो हमें एक रेशनल नंबर ही मिलेगा। या हम ऐसा भी कह सकते हैं कि फर्स्ट रेशनल नंबर माइनस सेकेंड रेशनल नंबर इक्वल टू रेशनल नंबर। और सेकेंड प्रॉपर्टी इज कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। हमारी दूसरी प्रॉपर्टी है वो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। व्हाट इज कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी? इन रेशनल नंबर फर्स्ट रेशनल नंबर माइनस सेकेंड रेशनल नंबर इज नॉट इक्वल टू सेकेंड रेशनल नंबर माइनस फर्स्ट रेशनल नंबर। कहने का मतलब होता है कि अगर दो रेशनल नंबर्स हैं, पहली रेशनल नंबर्स को अगर दूसरे में से दूसरी पहली में से दूसरे को माइनस कर दें और फिर दूसरे में से पहले को माइनस कर दें तो दोनों एक दूसरे के बराबर कभी नहीं होंगे। फॉर एग्जाम्पल ले लेते हैं 5/4 माइनस 3/4, ये बराबर नहीं है किसके 3/4 माइनस 5/4 के, क्योंकि सब्ट्रैक्शन के बाद हमें इधर मिलता है 1/2 लेफ्ट साइड में और राइट साइड में मिलता है माइनस 1/2। तो वी कैन से दैट फर्स्ट रेशनल नंबर माइनस सेकेंड रेशनल नंबर इज नॉट इक्वल टू सेकेंड रेशनल नंबर माइनस फर्स्ट रेशनल नंबर। देयरफॉर रेशनल नंबर आर नॉट कम्यूटेटिव अंडर सब्ट्रैक्शन। तो और थर्ड टॉपिक इज एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। एंड रेशनल नंबर फर्स्ट रेशनल नंबर माइनस सेकेंड रेशनल नंबर एंड माइनस थर्ड रेशनल नंबर इज नॉट इक्वल टू फर्स्ट रेशनल नंबर माइनस सेकेंड माइनस थर्ड रेशनल नंबर। दैट इज, कहने का मतलब है अगर हम पहली रेशनल नंबर में से दूसरी रेशनल नंबर को माइनस कर दें और जो उसका आंसर मिले उस आंसर में से अगर हम तीसरी रेशनल नंबर को माइनस करें जो भी आंसर मिलेगा वो बराबर नहीं होगा। किसके बराबर नहीं होगा? अगर दूसरी और तीसरी रेशनल नंबर के जो माइनस करने पर जो आंसर मिलता है अगर हम उसको फर्स्ट रेशनल नंबर में से माइनस कर दें उसके बराबर नहीं होगा। तो कहने का क्या मतलब है? देयर एसोसिएटिव प्रॉपर्टी जो है वो रेशनल नंबर सब्ट्रैक्शन के लिए होल्ड नहीं करती। तो वी कैन से दैट एसोसिएटिव प्रॉपर्टी डज नॉट होल्ड गुड फॉर सब्ट्रैक्शन ऑफ रेशनल नंबर। फॉर एग्जाम्पल 5/4 माइनस 3/4 माइनस 1/4 इज नॉट इक्वल टू 5/4 माइनस 3/4 माइनस 1/4। We will get on the left side 1/4 and on the right side 3/4. And we know very well 1/4 is not equal to 3/4. कहने का मतलब है अगर हम एक एग्जाम्पल लेते हैं 5/4 माइनस 3/4 का और इसको माइनस करने के बाद अगर हम इसमें से 1-4 को माइनस करें तो हमें लेफ्ट साइड पे 1/4 मिलेगा और राइट साइड पे हम 5/4 में से माइनस करेंगे 3/4 माइनस 1/4 के सब्ट्रैक्शन के बाद मिले हुए आंसर को, तो इधर मिलेगा 3/4। और हम सभी अच्छे से जानते हैं कि 1/4 3/4 के इक्वल नहीं है। कहने का मतलब एसोसिएटिव प्रॉपर्टी जो है सब्ट्रैक्शन के लिए रेशनल नंबर होल्ड नहीं करती। तो उम्मीद करता हूँ कि आज का वीडियो आपको समझ में आया होगा। अगर आपको समझ में नहीं आया है या आपकी कोई प्रॉब्लम है तो आप अपने क्वेश्चंस को वीडियो के कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं।